सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल माधुरी पेज नंबर 29 इसके दोबारा आज हम दो अक्षर वाले शब्दों का दोबारा अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझको यह भी पता करना है कि आप बच्चों को इनको रीड करना, इनको पढ़ना आ गया है या नहीं। आज मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊंगी और उसके बाद मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पेरेंट्स, आप इन वर्ड्स को, इन शब्दों को पढ़ते हुए अपने बच्चों की एक छोटी सी वीडियो बनाएं, चाहे वो सिर्फ इस लाइन को हो पढ़ने की, चाहे इस लाइन को हो या इस पेज पे दो अक्षर वाले शब्द कोई भी हो, चाहे वो इस लाइन में हो 28 पेज पे, जहाँ पे भी आपको लगे कम से कम बच्चे 10 अक्षर पढ़ते हुए उस वीडियो में मुझे सुनाई दें। और वह वीडियो आज आपने जो ग्रुप में हम होमवर्क भेजते हो, होमवर्क ग्रुप में आपने ज़रूर सेंड करनी है, ताकि मुझे कुछ तो पता लगे कि बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं या जस्ट रिटर्न काम पे ही जोर लगाया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हुए इसको देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। ठग, ठग, ठक, ठक। अब हम इसको बच्चों को ऐसे पढ़ने का भी अभ्यास नहीं करवाएंगे कि ठक ठक, कोशिश अब हम आगे ये करेंगे कि बच्चे सीधा पढ़ें। डर, डस, ढक, ढल, तन, तट, थक, थन, दस, दम, धन, धक, नल, नथ, पल, पर, फल, फन। पेरेंट्स, मैं ये दोबारा इसलिए इसका अभ्यास करवा रही हूँ क्योंकि जब तक बच्चों को दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना ही नहीं आएगा, तब तक हम तीन अक्षर वाले शब्द नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मेरी सभी पेरेंट्स से, सभी माता पिता से अनुरोध है कि इसकी वीडियो, अगर बच्चे चलो कम से कम ऐसे तो पढ़ें, अगर मेरी तरह नहीं भी पढ़ रहे तो ठग ठग, ठक ठक, डर डर, एटलीस्ट ऐसे ज़रूर पढ़ें। हाँ, अगर बहुत अच्छा है, अगर बच्चा सीधा ही ऐसे पढ़ देता है दस, दम, नल, नथ, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे कम से कम 10 अक्षर पढ़ते हुए अपने बच्चों की एक छोटी छोटी वीडियो बना के ज़रूर होमवर्क वाले ग्रुप में डालनी है। आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, अदरवाइज मेरे को कॉल भी करना पड़ेगा पेरेंट्स को और पूछना भी पड़ेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड डेफिनेटली यू विल सेंड द वीडियो। धन्यवाद।